हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम मसाला दाल मखनी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर लेंगे। मसूर की दाल को मैंने रात में भिगोकर रखा था। ये छिलके वाली मसूर की दाल है। मैंने 2 कप मसूर की दाल लिया है और 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोया है। एक कप राजमा लेंगे। इसको भी मैंने रात में भिगोकर रख दिया था और अच्छे से धुल लिया है। चार से पांच ग्लास पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पर अंदाज से डाला है। दो चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। चार से पांच सीटी आ चुकी है और हमारी दाल पक भी गई है। दाल को अच्छे से मिला लेंगे। दाल का एक्स्ट्रा पानी निकालकर एक बाउल में रख लेंगे। इसे आप किसी भी यूज में ले सकते हैं, पी भी सकते हैं। और अगर बाद में आपकी दाल मखनी गाढ़ी लगती है तो थोड़ा सा मिला भी सकते हैं। दाल को अच्छे से मैश कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है।
दो चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालेंगे। एक चम्मच हल्दी डालेंगे। दो चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर टमाटर की प्यूरी डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें दाल डालेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पर रखेंगे। दाल को डालकर अच्छे से मिलाएंगे। दो चम्मच भरकर मक्खन डालेंगे। अच्छे से मक्खन को मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो पर ही रखिएगा क्योंकि ये दाल काफी पकेंगे। दाल हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब दाल में फ्रेश क्रीम डालेंगे। क्रीम को डालकर अच्छे से मिला देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो पर कर देंगे। इसको और पकने देंगे। तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। तड़के के लिए मैंने देसी घी लिया है। जब देसी घी गर्म हो जाएगा तब उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे। और थोड़ी देर तक भून लेंगे।
दाल हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तड़का भी हमारा तैयार हो चुका है। एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी मसाला दाल मखनी बनकर तैयार हो चुकी है। दाल हमारी सर्व करने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। अब तड़का डालेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी मसाला दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।